नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागाम, डिंडोली। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 9, निर्भय बनो, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी। इस पाठ का साहित्य प्रकार है उपन्यास। अंश कितने चौरा है, इस उपन्यास से यह पाठ लिया गया है। श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी प्रसिद्ध आंचलिक यानी ग्रामीण साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। रेणु जी के रचनाओं में ग्रामीण के समृद्ध जीवन का अनुभव मिलता है। श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का साहित्य और जीवन परिचय आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। निर्भय बनो, इस पाठ में निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश में सभी पात्र नव युवक हैं, उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न इस पाठ से किया गया है, ताकि नौजवान निडर होकर समाज सेवा कर सके और राष्ट्र के आदर्श नागरिक बन सके, यह संदेश इस पाठ से मिलता है। प्रियोदा अर्थात प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, यानी 10वीं SSC में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी गांव के सभी लोग उसे जानते हैं। सारे लोग उससे परिचित हैं क्योंकि वह समाज सेवा का कार्य करता है। प्रियोदा हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। यह मुठिया वसूलना मुहावरा है, यानी नेक काम के लिए भिक्षा मांगना। अनाथ आश्रम के लिए वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने का कार्य करता है। अनाथ आश्रम के लिए मुखिया वसूलने अर्थात भिक्षा मांगने के लिए कभी अकेला तो कभी अपने साथियों के साथ जाता है, और अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए वह अनाज इकट्ठा करने का कार्य करता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाते हैं। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार परमान बिहार की नदी, परमान नदी के किनारे पर बालूचर पर रेतीले पट पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद इकट्ठा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर अपने मित्रों को साथियों को सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, यह सब तय होता है। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, यह सब उस दिन तय होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा के सवाल को सुनकर मोना अर्थात मनमोहन सवाल का जवाब देते हुए प्रियोदा से कहते हैं कि महात्मा गांधी। प्रियोदा मनमोहन अर्थात मोना को अगला सवाल पूछता है, ठीक है तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील बनना चाहता हूँ। दल के सभी सदस्य मोना के सवाल का जवाब सुनकर हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे और बोले, प्रियोदा अगला सवाल मोना से करता है, ठीक है बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, जवाब सीख लेंगे। प्रियोदा मनमोहन को आगे सवाल करता है, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो। हैजा कॉलेरा नाम की बीमारी, अंग्रेजी में कॉलेरा कहते हैं, जो दूषित पानी और दूषित भोजन ग्रहण करने से होती है। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। प्रियोदा का अगला सवाल मोना के लिए, गाना जानते हो। मोना कहता है, जी। अगला सवाल फिर, तैरना जानते हो। जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरना लगेगा, ऐसा सूर्य नारायण कहता है। सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन उसका शरीर मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन सभी नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खकार कर गला साफ किया, कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया।
सच्चा राखो जी राम रहीम ना जुदा करो दिल को सच्चा राखो जी हाँ जी करते रहो दुनियादारी देखो जी राम रहीम ना जुदा करो दिल को सच्चा राखो जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया यानी शाम हो गई, बालू चर पर लाली उतर आई, सूरज की किरणें रेत पर पड़ने लगी, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झील मिलाई। परमान नदी के किनारे श्याम का सुनहरा दृश्य आप देख सकते हैं। पखेरु दल बांधकर बांस वन की तरफ लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर अनुशासन में शिस्त में घर की ओर लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी मग्न लीन होकर गीत गा रहा था। गीत इस प्रकार ग्रामीण बिहारी भाषा का भोजपुरी गीत है, वह गा रहा था। दिनवा काटे छी शंभु, दिनवा काटे छी शंभु, हमें गिने गिन बोला गरबा के दिन। दिनवा काटे छी शंभु, दिनवा काटे छी शंभु, हमें गिने गिन बोला गरबा के दिन, बोला गरबा के दिन, बोला गरबा। बालू चर के उस पार से किसी ने फायर किया। पखेरु अर्थात पक्षी बालू पर यानी रेती पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया, अर्दली यानी अफसर का नौकर, और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया। यह देखकर इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है यानी डिप्टी साहब का नौकर है, साला भारी खचड़ा है यानी मूर्ख है। इब्राहिम की ओर देखते हुए प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म यानी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और उनके सदस्य से माफी मांगी और कहने लगा, बात यह है कि साले ने। इब्राहिम के मुंह से फिर से अर्दली के लिए अपशब्द यानी गाली निकली। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी आठवीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा प्रियोदा से, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? प्रियोदा समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इब्राहिम कहता है, मगर वे जो गाली देते हैं। तो प्रियोदा समझाते हुए इब्राहिम को कहते हैं, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। इब्राहिम और प्रियोदा में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। तभी दल का एक सदस्य प्रियोदा से कहते हैं, नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन यानी सूक्ष्म बात देरी से बुझता है, समझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर यानी सदस्य रहना है तो इसके रूल्स यानी नियम को मानना होगा। नियम यह है कि कोई सदस्य आपस के बातचीत के सिलसिले में किसी खराब शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म करो और नियम को समझो। दल के सभी सदस्य सऊ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। कालू को समझाया और मोना को अपने साथ लेकर प्रियोदा आगे बढ़ने लगे। अब मोना अर्थात मनमोहन के मन में से
डर किस तरह निकालते हैं, उसे निर्भय किस तरह बनाते हैं वो देखिए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि इसके आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचते हैं संतालियों की तरह झुंड बांध कर। क्यों डरने लगा? संताली एक आदिवासी जमात, उनका समूह नृत्य होता है, उसी तरह यहाँ पर भूत पिशाच मैदान में नाचते हैं। मोना को निडर निर्भय बनाने के लिए प्रियोदा हंसकर उसे कहते हैं, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो दस का काम करता हो। तंग करना, परेशान करना, दस का काम करना यानी समाज सेवा का काम करना। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मेरे गुरुजन महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि दस का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। यानी दस का काम करने वाला खुद समाज सेवक होता है और समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति को भूत पिशाच कभी तंग नहीं करते। इस तरह मोना के मन से पूरी तरह डर निकाल देता है और उसे निर्भय बनाता है। इस तरह हमें भी अपने मन से डर निकाल कर समाज सेवा बचपन से ही करनी चाहिए, यही सीख इस पाठ से मिलती है। प्रियोदा मनमोहन से कहते हैं, निर्भय बनाकर कहते हैं, चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना जुदा करो, मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो, दिल को सच्चा रखो जी, राम रहीम ना जुदा करो, दिल को सच्चा रखो जी, हाँ जी हाँ जी करते रहो, दुनियादारी देखो जी, राम रहीम ना जुदा करो, दिल को सच्चा रखो जी। इस तरह निर्भय बनो, यह पाठ हमें निडर बनाने का संदेश देता है। इस पाठ पर आधारित सवाल जवाब आपको लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत।